नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की इस खबर के साथ, जहां आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कलेर ने खटीमा से चुनाव लड़ने की बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कलेर ने 3 साल तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यानी अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। पार्टी ने प्रदेश में 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। इनमें भूपेश उपाध्याय को कुमाऊं का कार्यकारी अध्यक्ष, अनंत राम चौहान को गढ़वाल का कार्यकारी अध्यक्ष और प्रेम सिंह राठौर को तराई क्षेत्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव कैंपेन कमेटी की घोषणा कर दी गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष दीपक बाली को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष, बसंत कुमार को कैंपेन कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आप प्रदेश कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने ये जानकारी दी है। तो आम आदमी पार्टी ने अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर कमर कस ली है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कमेटियां गठित कर दी हैं, जिसमें नाम भी दे दिए गए हैं। ये पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज कर्नल अजय कोठियाल ने दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो बीते लंबे समय से एसएस कलेर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पदभार उन्होंने ग्रहण कर रखा था और अब उन्होंने इस्तीफा लड़ लिया है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एसएस कलेर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इसमें भूपेश उपाध्याय को कुमाऊं का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं अनंत राम चौहान को गढ़वाल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही प्रेम सिंह राठौर को तराई क्षेत्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ जी जुड़ गए हैं। सुभाष, ये बताइएगा कि आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन 3 साल से जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे उनको अब इस्तीफा उनका लेकर अब उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है, इसको किस नजर से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही उत्तराखंड में अपने पैर पसारे थे और उत्तराखंड में एक बार चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, उसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने जो प्रदेश अध्यक्ष है वो एसएस कलेर को बनाया था। लेकिन आज जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे एसएस कलेर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इस्तीफा देने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वो खटीमा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि जिस सीट से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में विधायक है और आगामी दिनों में चुनाव लड़ेंगे, उस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, ऐसा उनका कहना था। और वहीं अगर बात की जाए तो इसके बाद हाईकमान यानी कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था और कांग्रेस की तर्ज पर आम आदमी पार्टी में भी अब जो अध्यक्ष हैं यानी कि कहा जा सकता है प्रदेश के अध्यक्ष, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और 3 बड़े अध्यक्ष पार्टी ने बनाए हैं छोटे से प्रदेश के लिए, जिसमें अगर बात की जाए कुमाऊं मंडल के लिए भूपेश उपाध्याय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जो कि अभी 10-15 दिन पहले ही पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और कर्नल अजय कोठियाल ने उन्हें दिल्ली में ज्वाइन कराया था। वहीं अगर बात की जाए गढ़वाल मंडल के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया, वो है अनंत राम चौहान, जिनको कि अब कार्यकारी अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने गढ़वाल मंडल के लिए बनाया। वहीं अगर बात की जाए मैदान को भी साधने की कोशिश आम आदमी करती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि प्रेम सिंह राठौर को कार्यकारी अध्यक्ष तराई का बनाया गया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक आते आते पार्टी में जिस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं आम आदमी की पार्टी में, और उसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस बीजेपी में जिस तरीके से ज्वाइनिंग के कार्यक्रम लगातार जारी हैं और वैसे में अब आम आदमी पार्टी अपने अध्यक्ष बदलने पे लगी है और कुल मिला के 6 महीने के भीतर पार्टी चाहती है कि वो संगठन को भी मजबूत करे, पार्टी को भी मजबूत करे और प्रत्याशी हैं उनको भी मजबूत करने की वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल। और सुभाष जी, चुनाव के मद्देनजर लगातार जो दल बदल का कार्य है वो भी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, इसके साथ ही अब 3 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऐसे में क्या कुछ लगता है कि जो कोर वोटर है उसको वापस पाया जा सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर नई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की विचारधारा के जो लोग यहाँ पर बताए गए थे इससे पहले, जब कर्नल अजय कोठियाल साहब ने कहा था कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा उससे रिलेट कर पाते हैं, तो क्या लगता है कैडर को मजबूती मिल सकेगी 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद?
अगर कैडर वोट की बात की जाए तो पहली बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, और ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि कैडर वोट 0% आम आदमी का पार्टी का इस वक्त है, क्योंकि अभी तक वो कोई भी चुनाव उत्तराखंड में नहीं लड़ी है पार्टी बेस पर। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव लड़ना जा रही है, और कुल मिला के कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो कर्नल अजय कोठियाल को बनाया गया, और उनके चेहरे पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, उसके बाद पार्टी में कुछ लोगों को जोड़ा गया और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और जो पूर्व में अध्यक्ष थे जो लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे थे उनको दरकिनार कर उनको खटीमा की जिम्मेदारी दी कि वो अपनी सीट पर फोकस करें, तो कहा जा सकता है कि जो रणनीति है आम आदमी पार्टी वो जरूर समय के अनुसार बदल रही है, लेकिन उसका कितना असर आम जनता पर होता है ये देखना होगा 2022 के चुनाव के नतीजों पर। लेकिन अभी जिस तरीके से पार्टी ने 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कहा जा सकता है कि गढ़वाल मंडल के लोगों को साधने के लिए गढ़वाल का अध्यक्ष बनाया गया है, कुमाऊं मंडल के लोगों को साधने के लिए कुमाऊं का अध्यक्ष बनाया गया, और क्योंकि मैदानी सीट भी बहुत जरूरी है उत्तराखंड में, तो मैदान के लोगों को भी साधने के लिए तराई का अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया है, जिसका नतीजा आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अब इस्तीफा दे दिया है, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में सुभाष, अब जो नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो कितनी जल्दी क्या कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि समय कम है और पार्टी को मजबूती भी दिलानी है, तो कैसे काम होगा फिर? जी बिल्कुल कामेंद्र, एक बड़ी चीज ये है कि प्रदेश अध्यक्ष पिछले लंबे समय से, यानी कि जो के कलेर थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो पिछले लंबे समय से कहीं ना कहीं गायब से नजर आ रहे थे पार्टी कार्यालय से, और उससे पहले जब तक कर्नल अजय कोठियाल पार्टी में ज्वाइन नहीं हुए थे, उन्हें सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, तब तक वो पार्टी को मजबूती से चलाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं कार्यक्रमों में मौजूद थे, बड़े जो प्रोग्राम पार्टी के द्वारा किए जाते थे उन कार्यक्रमों में नजर आते थे। लेकिन जैसे ही कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी में एंट्री की, उसके बाद से वो कहीं नजर नहीं आए। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रदेश भर की जानी थी, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती थी, उसमें वो मौजूद नहीं रहते थे, और कई बार मीडिया के द्वारा पूछा भी जाता था कि आखिरकार उनके प्रदेश अध्यक्ष गए कहाँ, तो उनका कहना था उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते वो पार्टी कार्यालय में नहीं पहुंच रहे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, इससे ये बात तो साफ है कि उनको इस्तीफा दिलवाया गया है, ना कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन इसके साथ बड़ी चीज ये भी है कि इस्तीफा देने के साथ ही वो खटीमा सीट पर फोकस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी सीट जीते और विधायक बनकर आम आदमी पार्टी की आवाज विधानसभा में उठाए। लेकिन इसके साथ ही बड़ी चीज ये भी है कि कर्नल अजय कोठियाल के जो लोग थे जिन्हें उन्होंने पार्टी में शामिल कराया गया था, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिसमें से भूपेश उपाध्याय एक मुख्य नाम है, जिन्हें लगभग 1 महीने से कम समय हुआ है पार्टी में ज्वाइन हुए, और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष कुमाऊं का बना दिया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से दो अन्य अध्यक्ष बनाए गए, और आपका जो सवाल था कि कम समय में क्या बेहतर कार्य वो कर पाएंगे, तो ये बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, और सुभाष जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसे में ये चीज भी निकलकर सामने आ रही है कि जब सीएम फेस बनाए गए कर्नल अजय कोठियाल साहब, तो उसके बाद से ये अपनी गतिविधियों में कम नजर आने लगे थे, तो कहीं मन में खटास की भी चीज नजर आ रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन खुलकर अभी तक सामने नहीं आए, क्योंकि वो केवल एक विधानसभा सीट पर फोकस कर रहे हैं, और खटीमा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उसकी वो तैयारी लगातार पिछले लंबे समय से कर रहे थे जब से वो पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब कर्नल अजय कोठियाल मुख्यमंत्री का चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में, और जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए उनके पास जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी इस प्रकार से कि कुमाऊं मंडल की जिम्मेदारी भूपेश उपाध्याय संभालेंगे, यानी कि कुमाऊं मंडल की जितनी भी सीटें हैं, विधायक हैं, चुनाव किस तरीके से लड़ाना है, ये जिम्मेदारी भूपेश उपाध्याय के कंधों पर। वहीं अगर गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो अनंत राम चौहान के पास भी बड़ी जिम्मेदारी है गढ़वाल मंडल की जो सीटें हैं उनको जिताना। और वहीं अगर तराई की बात की जाए, तराई में खासतौर से अगर गिना जाए, हरिद्वार जनपद को गिना जा सकता है, उधम सिंह नगर को गिना जा सकता है, ये वो जनपद है जहां तराई मूल के लोग बहुत अधिक रहते हैं, यानी कि किसान बहुत अधिक संख्या में, तो इनको भी साधने की कोशिश की जाएगी। और यही कारण है कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, और उनके पास जिम्मेदारी बड़ी है कि 6 महीने में बेहतर काम उन्हें करके दिखाना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सुभाष, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, अब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या कुछ रणनीति बनाकर सामने आएगी, ये देखना अहम हो जाता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने योग नगरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ रेल परियोजना की कार्य प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश का निरीक्षण किया है। पहली बार ऋषिकेश आगमन पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री रेल विकास निगम के बाईपास मार्ग स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्य परियोजना प्रबंधक हिमांशु बडोनी ने रेल परियोजना को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना का कार्य तेजी से चल रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने रेल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं और भी जो हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं, सभी का आशीर्वाद, सभी का स्नेह, सभी का सहयोग सब तरह से मिल रहा है। और जहाँ तक ऐसे समय की बात है, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ और पार्टी का सिपाही हूँ, तो सैनिक के बेटे को और सिपाही को जब भी पार्टी का जो आदेश होता है, और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उसको जब जब भी कोई दायित्व पार्टी में दिया जाता है या कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसके अंदर जितना भी क्षमता होती है, जितना भी उसके अंदर अपनी ताकत होती है, ऊर्जा होती है, वो पूरी लगाता है और मैं भी पूरी लगाऊँगा। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति नगर में विधायक विनोद कंडारी ने 2 करोड़ की लागत से बनने जा रहे ब्लॉक कार्यालय की नींव रखी है। हालांकि इस काम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को करना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण मंत्री हरक सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। हालांकि सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि नाराजगी के चलते हरक सिंह रावत ने पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। इसके अलावा कीर्ति नगर में सोमवार को एक रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। तो विधायक विनोद कंडारी ने ब्लॉक कार्यालय की आज नींव रखी है। देवप्रयाग की तस्वीरें हैं जहां विनोद कंडारी विधायक पहुंचे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री हरक सिंह रावत का कार्यक्रम में शामिल होना तय था, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इसके पीछे हरक सिंह रावत की नाराजगी बताई जा रही है कि किसी कारणों से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। ठीक है, माननीय मंत्री जी को मेरे कल मैंने उनसे आग्रह किया था, उनके स्वास्थ्य के कारण नहीं आ पाई, मेरी कोई उनसे बात होगी तो मुझे कहते हैं मैं 8 में चलूँगा, इस कारण मुझे गुरुद्वार से मुझे आप लोगों ने खाई बहन। ठीक है, मेरे लिए आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि मैं आज अपने कितने ब्लॉक की जनता को और यहाँ के सभी प्रमुख जी को, क्षेत्र पंचायतों को, प्रधानों को मैं बधाई देता हूँ। यहाँ की बहुत पुरानी मांग थी कि ब्लॉक बिल्डिंग किस तरीके से नहीं बने, और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे कीर्तनगर विकास खंड के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास जो स्वीकृत किया, और आपने देखा कि आज इसका काम भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। किच्छा के स्वतंत्रता सेनानी ग्राम जवाहर नगर में पर्वतीय समाज के लोगों ने पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का सड़कों पर उतरकर विरोध किया है। वहीं इसके बाद पर्वतीय समाज के लोगों ने विरोध भरे नारों की तख्तियां लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामलाल वर्मा खेल मैदान पहुंचे हैं, जहाँ उन्होंने कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप, विधायक राजेश शुक्ला और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। तो किच्छा की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने को लेकर उनका यह पूरा विरोध प्रदर्शन है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारी मांग ये है कि बिल्कुल इस प्रस्ताव को बिल्कुल निरस्त किया जाए, इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद आज हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर जो 7% आरक्षण है वो समाप्त हो जाएगा। जो हमारे पास जो नॉन टीचिंग के जो पद हैं 6000 से अधिक, जिसमें कि जो उत्तराखंड के जो भी व्यक्ति हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, उनके लिए जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। हमारी हज़ारों एकड़ भूमि चली जाएगी,
और इस मामले में मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो ये विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और भारत रत्न रहे। पंडित जी चाहते तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी विश्वविद्यालय बना सकते थे, मगर पंडित जी का एक विजन रहा, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए दूरगामी सोच रखी और उन्होंने इसीलिए विश्वविद्यालय की स्थापना तराई में की, ताकि पर्वतीय अंचल के लोगों के साथ साथ यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है उसके भी लोगों को लाभ मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय जब केंद्र में चला जाएगा तो जो इसके पीछे पंडित जी की सोच थी, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जी की एक सोच थी कि यहाँ पर एक ऐसा विश्वविद्यालय बने जिससे पहाड़ के लोग जो दूर दराज इलाकों में हैं, भौगोलिक परिस्थिति कुछ ऐसी है जहाँ बच्चा देर से स्कूल जाता है, जंगली जानवरों का डर, स्कूल में सब्जेक्ट टीचर का न होना, उस अभाव से बच्चा पढ़ता है और उसके बाद भी अपनी योग्यता के आधार पर अच्छे नंबरों से पास होकर इस विश्वविद्यालय से वो देश और विदेश में सेवा देता है। तो ये पंजी का जो सपना था ये कई वर्षों से चला रहा है। आज राज्य सरकार इस विश्वविद्यालय को चलाने में सक्षम नहीं कहती है, बड़ा दुर्भाग्य है। 61 साल का अनुभव इनके पास है, 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना करी थी, तो 61 साल के अनुभव में ये विश्वविद्यालय चला आ रहा है। 40-40 लीटर दूध देती हुई गायें हमने देखी हैं, क्योंकि हमारा बचपन इसी डेयरी से पला हुआ है। चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्र में रूपकुंड की तलहटी में मां नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा में बेदनी बुग्याल पहुंचे हैं। कई युवाओं ने पोस्टरों के जरिए लोगों को हिमालय बुग्याल संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। गढ़भूमि एडवेंचर, चेंज हिमालय, पहाड़ी ट्रेवलर्स, रूपकुंड ट्रैकिंग एजेंसी से जुड़े युवाओं ने बुग्याल बचाओ, बुग्याल में मानवीय हस्तक्षेप कम करने, बुग्याल को पॉलिथिन मुक्त करने, आग से बचाने सहित कई स्लोगनों को लिखे हुए पोस्टरों के जरिए लोगों को हिमालय बचाने का संदेश दिया है। तो युवाओं ने पोस्टर अभियान की शुरुआत कर दी है। चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर हिमालय बुग्याल संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया गया है। युवाओं ने कई तरह से पैम्फलेट लेकर वहां पर अभियान की शुरुआत कर दी है, जिस पर उन्होंने बुग्याल बचाओ, बुग्याल संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया है। देखिए हमारे जो हिमालय के बुग्याल हैं धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमने ये पोस्टर कैंपेन शुरू किया, जिससे हम यहाँ पर जो लोग जात में आए हुए लोग हैं उन्हें हम बता सके कि बुग्याल हमारी अनमोल धरोहर है, हमें इन्हें बचाना है और जो यहाँ के जीव जंतु फूल पौधे हैं उन्हें हमें बचाना है। हम चाहते हैं कि बुग्यालों में लोग मानवीय हस्तक्षेप कम हो, और पोस्टर के माध्यम से भी, और हम जैसे ट्रैकिंग करवाते हैं, हम अपने साथ आने वाले हर लोगों को इस पोस्टर के माध्यम से जागरूक करेंगे कि अनावश्यक दोहन जड़ी बूटियों का ना किया जाए, बुग्यालों में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो और बुग्याल सुरक्षित रहे। हमें जो है बुग्यालों में प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, और जो भी प्लास्टिक होता है उसे हमें घर ले जाना चाहिए। इस प्लास्टिक से जो है बुग्यालों का नाश हो रहा है, और जो भी प्लास्टिक यहाँ छोड़ता है उसे जड़ी बूटियाँ दोबारा उगती नहीं है, और प्लास्टिक जो है आसानी से गलता नहीं है। उत्तराखंड पुलिस ने उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ माओवादी लीडर भास्कर पांडे को अल्मोड़ा पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। भास्कर पांडे 20,000 का इनामी अपराधी था। इस माओवादी पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसको देखते हुए माओवादी भास्कर पांडे पर 50,000 का इनाम बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेजा गया था। डीआईजी के मुताबिक भास्कर पांडे किसान आंदोलन में भी सक्रिय था, जो माओवादी खीम सिंह बोरा का सबसे खास साथी बताया जा रहा है। भास्कर पांडे ने माओवादी से संबंधित ट्रेनिंग भी ले रखी है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार भास्कर पांडे से देश की कई बड़ी एजेंसी पूछताछ भी करेंगी। माओवादी भास्कर पांडे जिला अल्मोड़ा के भनोली तहसील के भगत टोला गांव का रहने वाला है। वहीं माओवादी भास्कर पांडे की गिरफ्तारी पर डीजीपी उत्तराखंड ने पुलिस टीम को 20,000 का इनाम और मेडल की घोषणा भी की है। निश्चित तौर पे पिछले कुछ टाइम से जो है ये अन्य इसमें जो है किसान आंदोलन में भी सक्रिय सहभाग इसका रहा है। अब इसके और कौन साथी इसके साथ काम करते हैं तो ये अभी इसमें निकल के आएगा ज्वाइंट इंट्रोगेशन। हाँ, माननीय पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है ये टीम ने अच्छे कार्य करने हेतु जो है इसमें 20,000 का इनाम और मेडल की घोषणा किया है। नहीं, पुलिस लगातार इसके पीछे थी क्योंकि बड़ा मामला है, 20,000 का इनाम ही था, शासन को 50,000 इनाम बढ़ाने के लिए भेजा हुआ था, तो लगातार पुलिस जो है इवन देश की केंद्रीय संस्थाएं भी इसके पीछे लगी थी, हम रोजाना इसका फॉलोअप ले रहे थे। तो इसमें आज सूचना थी कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहा है, तो उसमें जो है पुलिस ने आज इसको दबोचा है। वहीं चमोली में देर रात हुई भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर मलबा आ गया,
लंगसी के पास मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे काफी देर तक बंद रहा, तो वहीं पागल नाला के पास भी मलबा आने से मार्ग बंद बताया जा रहा है। हालांकि लंगसी के पास जल्द ही मार्ग खुलने की उम्मीद है, लेकिन पागल नाला में अभी मार्ग खुलने में समय लग सकता है। जो यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं, मार्ग बाधित होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से एक ओर जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं रास्ते बंद होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आवागमन पूरी तरीके से बाधित बताया जा रहा है, जहां पागल नाले में आवागमन सुचारू रूप से उसको दोबारा से शुरू करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और वो ठीक ठाक चल भी रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बद्रीनाथ का जो हाईवे है वहाँ पर आवागमन पूरी तरह से ठप बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पागल नाले में भी मार्ग खुलने में समय लग सकता है। जो यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं वो वहीं पर फंसे हुए हैं, जिसके चलते उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है व सड़कों पर मलबा आने से रास्ते भी बंद होते नजर आ रहे हैं। आजकल फिल्मी अंदाज में होने वाली मारपिटाई की घटनाएं पहले भी सड़कों पर देखी गई हैं। ऐसा एक मामला धनोरी से आया है, जहां एक युवक से 5 गुंडे मारपिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पिटने वाला युवक राहगीरों से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। लेकिन इन गुंडों के खौफ से कोई भी राहगीर युवक की जान बचाने को नहीं आया, जबकि युवक अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर इधर उधर दौड़ते दिखाई दे रहा है। वहीं घटनास्थल पर कोई पुलिसकर्मी भी दिखाई नहीं दिया। तो तस्वीरें धनौरी से है, जहाँ पर बड़ी संख्या में गुंडों ने मिलकर एक युवक के साथ पिटाई कर दी और वहाँ मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे व मूक दर्शक बने रहे, लेकिन कोई भी उस युवक को बचाने नहीं आया। सिडकुल थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार रामनगर कॉलोनी स्थित नाले में पानी जमा हो जाने के बाद जब स्थानीय लोगों की तरफ से नाले की सफाई की जा रही थी, तो नाले में एक प्लास्टिक का बोरा दिखाई दिया। जब प्लास्टिक के बोरे को नाले से बाहर निकालकर देखा गया तो उसमें महिला का शव देखकर लोगों के होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस की तरफ से मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल महिला की कोई पहचान नहीं की जा सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। तो सिडकुल की तस्वीरें हैं, जहां पर नाले में एक बड़ा सा प्लास्टिक का बैग देखा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उस प्लास्टिक के बैग को बाहर निकलवाया गया और उसमें एक महिला की लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, अराउंड 8:30 ये सूचना मिली थी हमारे सिडकुल थाना क्षेत्र में कि एक बॉडी है वो मिली है, मतलब एक कट्टे के अंदर थी ये बॉडी। तो उसमें अभी मौके पे पहुंचकर उसको देखा गया है और अब बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बॉडी की, क्योंकि अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो उसके शिनाख्त के भी प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी इसमें फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी टिहरी बांध की झील का जलस्तर 828 पहुंचने पर नगर पालिका चिन्याली सौड, पीपल मंडी, बिजलबाड़ मोहल्ला, हॉस्पिटल एरिया, चिन्याली सौड़ बाजार, नागड़ी आदि तटीय क्षेत्रों में झील के बढ़ते जलस्तर से लगातार हो रहे भूदसाव से जोगथ रोड का लगभग 10 मीटर हिस्सा झील में समा गया, जिससे वहां स्थित शिव मंदिर, राजकीय इंटर कॉलेज, चिन्यासी लॉर्ड के आवासीय भवनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऊर्जा निगम स्टोर और कई मकानों में दरार आ जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। बांध के बढ़ते जलस्तर के कारण चिन्याली सौड़ जोगथ मोटर मार्ग का लगभग 15 मीटर एरिया झील में समा गया। वहीं दूसरी ओर इस बढ़ते जलस्तर के कारण पीपल मंडी, चिन्याली सौड़ बाजार, जोगथ रोड के व्यापारिक प्रतिष्ठान, नागनी सौड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वन विभाग, वाल्मीकि मोहल्ला, राजकीय इंटर कॉलेज चिन्याली सौड़ के आवासीय भवन आदि सहित तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी आवासीय मकान हैं उनको खतरा पैदा हो गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।